हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग 2.2 के सॉल्यूशन में ही आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि 2.2 के सॉल्यूशन में 1 से लेकर के शायद हम लोगों को 70 तक क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग NCERT के क्वेश्चन करने के अलावा कुछ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ क्वेश्चन NCERT के हैं, उसको पहले कर देते हैं, उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, जैसे KC सिन्हा हो गया, RD शर्मा के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिशन लेवल के हैं, ठीक ना। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग को स्टार्ट करना था। हम आपको सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि जो क्वेश्चन हमको आसान लगेगा वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, वो आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, उस क्वेश्चन को आपको बना दिया जाएगा, ठीक ना। हर क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम जो एक दूसरे पर डिपेंड है, तो वैसे वैसे क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे और अपने से बनाइएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको बताए थे कि जो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, उसी में जो है अंदर वाले को बदल देंगे ना, उसी में अंदर वाले को क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो जब अंदर वाले को बदलना होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कि अंदर वाला है क्या। तो अंदर वाला साइन इनवर्स 3/5 है, दूसरा कॉट इनवर्स 3/2 है, और आगे में टैन है। तो अगर आगे में टैन है तो इन दोनों को किस में बदलेंगे, टैन में। किस में बदलने का प्रयास करेंगे, टैन में। इसका मतलब टैन इनवर्स में, क्योंकि आपको याद होगा तो टैन इनवर्स टैन एक्स या टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है, कितना होता है, इतना इक्वल टू एक्स। टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स कितना होता है, एक्स। तो हम क्या करेंगे कि अंदर वाले को टैन में बदल देंगे, क्योंकि आगे टैन है ना, तो अंदर वाले को टैन में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए ये कॉट है, तो कॉट को आसानी से टैन में बदल देंगे, उल्टा करेंगे इसका। देखिए साइन को बदलना पड़ेगा, तो चलिए साइन को बदलते हैं टैन में। देखिए टैन में बदलने के लिए हम आपको बताए थे कि जब भी कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और उसको किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, किसी दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में बदलना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, उसको आप थीटा मान लीजिए, और थीटा मान के तब जाके उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन वर्स 3/5 को हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। तो साइन वर्स 3/5 को अगर थीटा मान लिए तो बोलिए साइन वर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इक्वल टू 3/5 यही मिलेगा। अब बोलिए साइन थीटा इक्वल टू अगर 3/5 मिल गया तो 3 इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है, और एच 5 क्या है, हाइपोटेनियस है, एच है, तो P/H होता है फार्मूला साइन का। तो अगर पी और एच आपको मिल गया तो यहां से बेस निकाल लीजिए, बेस कितना होगा, बेस होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा फार्मूले से, PBH वाला फार्मूला याद है ना, बराबर कितना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी 16 का कितना हो गया 4। इसका मतलब देखिए PBH निकल गया, तो हमको जो है इसका मान किस में निकालना है, टैन में। तो क्या निकालेंगे, टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/P, टैन थीटा इक्वल टू कितना होता है, P/B। तो बोल दिए P का वैल्यू कितना है, 3। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू 3, और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 4। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना, tan इधर जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4 हो गया ना, तो tan इनवर्स 3/4। बोलिए sin इनवर्स 3/5 का वैल्यू tan में कितना मिल गया, 3/4 मिल गया tan इनवर्स में, तो टैन वर्स मिल गया, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो हम उल्टा कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। तो हम सीधे से क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि टैन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2 इतना है क्वेश्चन। अब यहाँ से वैल्यू निकाल के दिया, समझिएगा।
तो यहाँ पे टेन वही हो गया क्वेश्चन वाला। यहाँ पे देखिए साइन वर्स 3/5 का वैल्यू टेन वर्स कितना निकाले हैं, टेन वर्स 3/4 निकाले यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देंगे टेन वर्स 3/4 उसकी जगह पे रख देंगे। फिर प्लस अब बोलिए यहाँ पे कॉट इनवर्स 3/2, तो कॉट इनवर्स 3 तो कॉट का उल्टा क्या होता है टेन, तो कॉट का उल्टा अगर टेन होता है तो देखिए कॉट में 3/2 है तो टेन में कितना हो जाएगा इसका उल्टा 2/3 हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स अगर 3/2 है तो टेन इनवर्स कितना होगा 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है, क्या फार्मूला दिख रहा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जैसा दिख रहा है यहाँ पे, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला कितना होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई होता है फार्मूला। तो इसी फार्मूले को इसको क्या कर दिए सेट कर दिए, तो यहाँ देखिए टेन आगे वाला वैसा ही है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे कितना है 3/4 और वाई की जगह पे कितना है 2/3, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 हो गया टोटल के बाई में 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो एक्स की जगह पे कितना है 3/4, वाई की जगह पे 2/3 हो गया। देखिए इस बात को सेट करिए ना, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखिए टेन ऑफ टेन इनवर्स दिख रहा है यहाँ पे, बोलिए 4 और 3 का एलसीएम देखिए, 4 3 का एलसीएम 12 होगा, ये हो जाएगा देखिए 4 3 12, 3 का गुणा 3 हो जाएगा तो 9 आएगा, एलसीएम कर जाता है आप लोगों को, एलसीएम आसानी से करेंगे तो 2 होगा, फिर देखिए ये 9 हो जाएगा, फिर देखिए 3 का डिवाइड करेंगे 12 में, 3 4 12 होगा, 4 बचेगा 4 3 8 हो गया ना। नीचे वैसे ही सेम काम, देखिए 4 3 का एलसीएम सॉरी 4 और 3 पूरा हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये 3 6 यानी 6/12 हो जाएगा, और 6/12 होगा तो इसको ऐसे देखिए ऐसे 1 - 6/12 होगा, 1 - 6/12 तो ये कितना होगा 12 का 1 होगा, तो 12 - 6/12 यही ना होगा, तो यहाँ पे लिखिए 12 - 6/12 एलसीएम करिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे 12 कट जाएगा, 9 और 8 कितना होगा 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 12 में से 6 कटेगा कितना होगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ टेन इनवर्स 17/6 हो जाएगा। अब आपको एक फार्मूला मालूम है टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, देखिए यहाँ पे टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है एक्स होता है, तो उसी के फार्मूले ऐसा दिख रहा है कि नहीं टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स की जगह पे कितना 17/6, तो इस फार्मूले से कितना हो जाएगा 17/6, कोई दिक्कत नहीं आता बन जाएगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। फिर इसके बाद हम लोग आगे इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 18 है, इसको कॉपी आप कर लेंगे, सबको समझ में आ गया, कुछ करना नहीं है, बस जो आगे में दिया है उसी में अंदर वाले को बदल देना है, आगे में टेन है तो टेन पर से बदलना होगा, साइन होगा तो साइन पर से दोनों को बदल देते हैं ना, ताकि फार्मूले में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 19, 20 और 21, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है 19, 20 और 21 तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कितना बार ये सभी क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं ठीक ना, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है cos इनवर्स cos 7π/6, क्या दिया है cos इनवर्स cos 7π/6, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका रेंज क्या है, तो बताइए cos इनवर्स का जो रेंज होता है इसका जो परिसर होता है 0 से π होता है, 0 से π, इसका मतलब कि जो भी हमको वैल्यू आएगा वो 0 से π में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे गलती कभी नहीं करेंगे कि सर cos इनवर्स cos x = x होता है फार्मूला, तो यहाँ पे तो ऐसा 7π/6 होना चाहिए उसके अनुसार, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 7π/6 आपको 0 और π के बीच में नहीं आएगा, पाई से बड़ा हो जाएगा ठीक ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7π/6 है ऊपर वाला बड़ा है, तो कभी भी आप ऐसा 7π/6 नहीं लिख के चल देंगे क्योंकि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे कि cos इनवर्स हमेशा 0 और π के बीच में ही होना चाहिए ठीक है, तो 0 और π के बीच में है तब तो हम आंसर दे देंगे उस फार्मूले के अनुसार, लेकिन 0 और π के बीच में नहीं है यहाँ पे तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उसके रेंज में शामिल नहीं है। तो इसको करेंगे क्या, इसको बदलेंगे, बदलने के लिए हम क्या करेंगे ध्यान समझिए,
देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, देखिए कॉस 7π/6 को आप चाहिएगा तो पाई प्लस, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, इसको पाई प्लस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई प्लस पाई बाई सिक्स लिख देंगे तो 7π हो जाएगा कि नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि देखिए अगर यहाँ पे कॉस पाई प्लस पाई बाई सिक्स लिख लेंगे आप तो ये देखिए कॉस 180 पे चेंज होगा कि नहीं, नो चेंज होगा। लेकिन पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा ना, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो जब माइनस कॉस थीटा होगा तो माइनस में तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि इसका रेंज माइनस में होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे भी बन जाएगा, एक स्टेप करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन फिर उसको चेंज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां दो स्टेप करना पड़ेगा, हम इसलिए क्या करेंगे कि एक ही स्टेप में इसको करने का प्रयास करेंगे। तो अगर पाई प्लस पाई बाई सिक्स करने पर अगर इसका मान माइनस में आ रहा है तो हम ये नहीं लेंगे, हम अगले वाले में पढ़ेंगे। पाई के बाद सीधे हम पहुंचेंगे कहां पे, 2π, आई बात समझ में। और 2π की सहायता से यहां देखिए, यहां पाई होता है और इसी लाइन पे अगला क्या होगा, 2π होता है यहां पे, ठीक है। तो अब 2π की सहायता से बनाएंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 7π/6 को 2π के फॉर्म बदलने का प्रयास करेंगे, कि 2π प्लस करें कि 2π माइनस करें, तो इतना आना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि पाई प्लस में भी आप बना सकते थे, आपको पीछे बताया कि पाई प्लस में बना सकते थे, लेकिन माइनस में आएगा तो फिर उसको दोबारा बदलना पड़ेगा, इसका मतलब डबल स्टेप करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि एक ही स्टेप में बनाने के लिए हम सीधे सीधे 2π पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको 2π पे चेंज करके दिखाते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए तो यहाँ पे अब बताइए कि cos of 7π/6 है, तो इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं कि cos of 2π पे अगर बदल दिएगा तो इसको 2π माइनस 5π/6 बोले तो दिखा जा सकता है क्या, इस तरह से 6 × 12 और 12 में से 5 घटेगा तो 7 आएगा कि नहीं, इसका मतलब 2π माइनस 5π/6 दिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 6 × 12 में से 5 घटेगा, 7π आ जाएगा। अब बताइए cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 2π माइनस थीटा कितना होता है जी, cos 2π माइनस थीटा, 2π का मतलब 360, तो 360 माइनस थीटा, 360 भी नो चेंज होगा, यहाँ लिख देंगे cos इनवर्स, यहाँ पे cos बोलिए 2π भी चेंज नहीं होगा, थीटा ही रहेगा, तो cos 2π माइनस थीटा होता है cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा थीटा का यहाँ पे कितना 5π/6, और ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाला में, फोर्थ में cos कैसा होता है, cos ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर देंगे, देखिए तो ये किसके चलते हुआ है, क्योंकि cos 2π माइनस थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा, याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये cos इनवर्स cos 5π/6 अब आ गया कि नहीं 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में आ गया, ये कितना होगा 6 × 3 = 18 यानी 30 और 5 × 3 = 150 150 डिग्री होगा, और 150 डिग्री कितना होता है 0 और पाई के बीच में आता है 180 के बीच में, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा यानी 5π/6, ये समझ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसमें शायद बी होगा, देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। अब देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन कॉस माइनस 1/3, बोलिए यहाँ पे करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पहले हम अंदर वाले को सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए इसको पाई बाई 3 लिख देंगे माइनस साइन कॉस माइनस 1/2, जल्दी बताइए साइन कॉस माइनस 1/2 है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग 2.1 में किए थे, साइज 2.1 में, ठीक है। तो साइन वर्स माइनस 1, देखिए ऐसा दिख रहा है साइन वर्स माइनस थीटा, तो साइन वर्स माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन वर्स थीटा होता है, तो इसके बदले लिख सकते हैं माइनस आगे निकल जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दे, यहाँ पे हो जाएगा साइन वर्स थीटा की जगह पे 1/2, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फार्मूले से हो गया ना। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ये पाई बाई 3 प्लस, अब बताइए 1/2 साइन में कहाँ मिलेगा,
साइन में वन बाई टू कहाँ पड़ता है, साइन में वन बाई टू पड़ेगा पाई बाई सिक्स पे, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे पड़ेगा, तो इसको हम लोग घर निकाल देंगे। तो साइन ऑफ यहाँ पाई बाई थ्री और पाई बाई सिक्स का एलसीएम 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 टू या 6 टू पाई प्लस ये हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 पाई बाई 6 यानी कट जाएगा, तो साइन कितना पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होगा और साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 कितना होता है जी 1, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, कोई दिक्कत नहीं आता, सब लोग कर लेंगे। अच्छा ये बोलिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं देना ज्यादा, ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है, बोलिए इसको सॉल्व करना है। तो टैन रूट थ्री बाई टू, टैन वर्स रूट थ्री, जल्दी बोलिए रूट थ्री टैन में कहाँ मिलेगा, रूट थ्री टैन में कहाँ मिलेगा, मिलेगा कितने डिग्री पे, बोलिए तो जल्दी से टाइप करेंगे, कितने डिग्री पे रूट थ्री मिलेगा टैन में, हाँ जल्दी टाइप कीजिए, कितने डिग्री पे जो है रूट थ्री मिलेगा टैन में, 60 डिग्री, कुछ लोगों का सही है, ठीक है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे पाई बाई थ्री, 60 डिग्री को रेडियन में कितना पाई बाई थ्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए यहाँ कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री आ गया, तो आपको फार्मूला बताए थे कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, याद है आपको, अरे कॉट इनवर्स में कॉस इनवर्स में क्या करते हैं पाई में से घटा देते हैं, याद है ना, तो यहाँ पे क्या करें, देखिए माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, ये पाई माइनस कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट थ्री, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। इस फार्मूले से देखिए कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है, तो कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री है तो क्या करेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई थ्री माइनस पाई माइनस, देखिए यहाँ पे अब रूट थ्री कॉट में कहाँ पड़ेगा बताइए, रूट थ्री कॉट में कहाँ पड़ेगा, अच्छा टैन में रूट थ्री कहाँ पड़ा था 30 पे, सॉरी 60 पे, तो ये कहाँ पड़ेगा 30 पे पड़ेगा, अगर जो है रूट थ्री टैन में 60 पे पड़ता है तो यहाँ पे रूट थ्री कॉट में कहाँ पड़ेगा 30 पे पड़ेगा, तो 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे पाई बाई 6, पाई बाई 6 कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल कर देंगे, ये पाई बाई 3 माइनस बोलिए ये 6 पाई में से पाई घटेगा 5 पाई, 5 पाई बाई 6 कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाई 3 और माइनस, अच्छा इसका एलसीएम कर दीजिए 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 2 या 6 2 पाई हो जाएगा माइनस ये 5 पाई हो जाएगा, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 2 में से 5 घटेगा माइनस 3 पाई बाई 6 आ जाएगा, 3 2 या 6 होगा यानी माइनस 5 बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 5 बटा में 2, माइनस 5 बटा 2 कौन सा ऑप्शन मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आता। तो ये आपका एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया, इन सारे क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आपको क्वेश्चन बैंक में भी बहुत बार ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। अब इनके अलावा हम लोग कुछ और कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन करते हैं जैसे एनडीए कोर्स के लिए या आईआईटी जेई के लिए, उसमें जो है क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है करते हैं आगे, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए देखिए कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है होता है कि इफ साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड बराबर अगर 3 पाई बाई 2 है देन फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड ये करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स प्लस साइन एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू व्हाट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइन प्लस एक्स प्लस साइन प्लस वाई प्लस साइन प्लस जेड बराबर 3 पाई बाई 2 है, तो आपको फाइंड द वैल्यू मतलब वैल्यू निकालना है, क्या फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान निकालना है।
जल्दी से बनाइए कितना आंसर आएगा, जल्दी बनाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए हम क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझिएगा, कुछ लोगों का आ रहा है रिस्पॉन्स। चलिए साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई प्लस साइन बस, बहुत आसान क्वेश्चन, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, दिमाग से खेलना, हल्के हल्के हाथों से। देखिए यहाँ पे देखिएगा हम लोग कैसे बनाएंगे, साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई प्लस साइन बस जेड बराबर 3π/2, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि साइन बस एक्स अगर दिया हुआ है, साइन बस एक्स प्लस साइन बस वाई प्लस साइन बस जेड, तीनों का एडिशन, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 3π/2। अगर तीनों को जोड़ने पर 3π/2 आ रहा है तो सोचिए कि सबने कितना कितना दिया होगा कि 3π/2 आया होगा, सबने जो है कितना कितना दिया होगा कि 3π/2 आया होगा। तो बताइए साइन वर्स मैक्सिमम कितना दे सकता है, साइन वर्स अधिकतम कितना दे सकता है, साइन वर्स का जो रेंज होता है उसका जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है, तो मैक्सिमम π/2 दे सकता है। तो सोचिए कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड 3π/2 है, तो इसका मतलब कि 3 × π/2 है, कितना है 3 × π/2, तो 3 × अगर π/2 है तो π/2 कितना है, 3 गो है, अगर π/2 3 गो है इसका मतलब कि एक गो इसने दिया होगा, एक गो इसने दिया होगा और एक गो इसने दिया होगा। आई बस समझ में, इसका मतलब कि यहाँ पे साइन वर्स एक्स बराबर साइन वर्स वाई बराबर साइन वर्स जेड बराबर कितना दिया होगा, π/2। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जिस दिन π/2 तीनों को जोड़ेंगे 3π/2 हो जाएगा, नहीं तो इसका मतलब कि साइन वर्स एक्स बराबर π/2 देगा, साइन वर्स वाई बराबर π/2 देगा, साइन वर्स जेड बराबर π/2 देगा, तो हम यहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकाल देंगे। तो बताइए therefore साइन वर्स अगर इसके बराबर ये करते हैं तो साइन वर्स एक्स बराबर अगर π/2 लेते हैं, तो अगर साइन वर्स एक्स बराबर π/2 लेते हैं तो बताइए π/2 अगर है, साइन वर्स एक्स बराबर π/2 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए, तो साइन में π/2 कहाँ पड़ता है, साइन π/2 कितना होता है बताइए, तो साइन π/2 1 होता है, इसका मतलब कि x के जगह पे अगर 1 होता तो ऐसे साइन वर्स 1 = π/2 हो जाता कि नहीं, इसका मतलब कि साइन वर्स x = π/2 है, तो x बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन π/2 और x साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1। उसी तरीके से जल्दी बताइए, उसी तरीके से अगर साइन वर्स y बराबर π/2 करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 1, और साइन वर्स z एक्स का मान 1, वाई का मान 1, जेड का मान 1 मिल गया कि नहीं, तो इसमें सीधा सीधा रख देंगे, तो क्या लिखेंगे देखिए निकालना क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, तो 1 × 1 1 प्लस वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1, तो 1 × 1 1 प्लस जेड का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1, तो 1 × 1 1 बराबर कितना 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे एकदम जल्दी जल्दी, बिना ज्यादा इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना, क्या करेंगे कि सीधा सीधा साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई साइन वर्स जेड π/2 कर देंगे, क्योंकि तीनों को जोड़ने का 3π/2 आ जाएगा ना, तो वहां से एक्स वाई जेड निकाल के इसमें रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब लोग का हो गया, आंसर कितना आया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझिए थोड़ा जल्दी से करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन में टाइम बचाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन वर्स एक्स प्लस, सब लोग बनाएंगे इस बार क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेम उसी पे बेस्ट है, तो साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड, जल्दी जल्दी लिखिए कॉपी में, अपने कॉपी में लिखते जाएंगे, अभी हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, चलिए तैयार है सब लोग, याद देखिए साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड बराबर 3π/2, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड ये करना है कि एक्स का पावर 100 प्लस वाई का पावर 100, तो
प्लस जेड का पावर 100 माइनस बी बाई एक्स का पावर 100 प्लस वाई का पावर 100 प्लस जेड का पावर 100। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप बताइए कितना आएगा, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन देख के भाग नहीं जाएंगे, हाँ क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बड़ी आसान। खेल खेलिए पीछे वाला। जल्दी बनाएंगे, साइन प्लस एक्स प्लस साइन प्लस वाई प्लस साइन वाई थ्री पाई बाई टू है। चलिए अरे एक मिनट से ज्यादा हो गया है, चलो देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ध्यान समझिए। देखिए क्वेश्चन, साइन प्लस एक्स प्लस साइन प्लस वाई प्लस साइन प्लस जेड बराबर थ्री पाई बाई टू, तो जल्दी से जवाब दीजिए। ये थ्री पाई बाई टू है तो पाई बाई टू कितना है, तीन गो, तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर दीजिए। तो साइन प्लस एक्स कितना दिया होगा, साइन प्लस वाई कितना दिया होगा, साइन प्लस जेड कितना दिया होगा, पाई बाई टू, कितना दिया होगा पाई बाई टू। इसका मतलब सब लोगों ने पाई बाई टू दिया होगा, एक एक ठोक दिया थ्री पाई बाई टू हो गया होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब कि यहाँ से बोलिए, यहाँ से x की वैल्यू कितना निकालिएगा, जल्दी बताइए। तो साइन प्लस x इक्वल टू पाई बाई टू, तो इसका मतलब ये इधर जाएगा, तो x इक्वल टू साइन पाई बाई टू हो जाएगा। तो बोलिए साइन 90 कितना होता है, x 1, जैसे x 1 होगा वैसे y कितना होगा 1, वैसे ही जो है z कितना होगा 1 हो जाएगा ना, बराबर करेंगे तो जल्दी से इसमें रखिए वैल्यू, x का वैल्यू 1 रखिएगा, तो 1 का कुछ भी वैल्यू किया कुछ भी पावर कीजिएगा, 1 का कुछ भी पावर कीजिएगा तो 1 होगा, तो 1 प्लस इसका वैल्यू 1 प्लस इसका वैल्यू 1 हो गया, माइनस 3 बाई में 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 बाई 2 सॉरी हो गया ना, तो 3 माइनस 3 बाई 3 बोलिए ये कट जाएगा, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 कितना आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान, ठीक ना। तो हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, सब लोगों को क्लियर हो रहा है, अगर सब लोगों को समझ में आ गया तो जल्दी से स्लो में टाइप कीजिए। तो सब लोगों को समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से कर पा रहे हैं हम लोग, सब लोग टाइप कीजिए जिसको समझ में आया, रिस्पॉन्स देखे कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, ध्यान समझिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टैन इनवर्स ए माइनस बी, लिखते जाइए जल्दी जल्दी कॉपी पे, टैन इनवर्स ए माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, उसके बाद प्लस टैन इनवर्स बी माइनस सी बाई 1 प्लस बी सी, 1 प्लस बी सी, प्लस में दिया है टैन इनवर्स सी माइनस ए बाई 1 प्लस सी ए बराबर 1, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे जल्दी से ट्राई कीजिए, टैन इनवर्स ए माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी प्लस टैन इनवर्स बी माइनस सी बाई 1 प्लस बी सी, स्लो नहीं फास्ट काम कीजिए, जितना जल्दी टाइप करने में ध्यान मत दीजिए, ठीक है बताइए जल्दी से, प्लस टैन इनवर्स सी माइनस ए बाई 1 प्लस सी ए, बहुत आसान काम है बहुत आसान। अगर आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट आ गया जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे जुड़ सके। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, जल्दी जल्दी कीजिए जल्दी एकदम स्पीडली कीजिए तेजी से। चलिए देखिए ध्यान समझिए, तो यहाँ पे आप जानते हैं क्या जानते हैं कि टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई कितना होता है, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, याद आ रहा है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन,
टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई, ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में उड़ा देंगे हम लोग। केवल ध्यान से प्रॉपर्टी देखिए, टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई कितना होता है फॉर्मूला, टेन वर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई। अब बताइए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये जो हम यहाँ पे घेर के लिखे हैं, ये इसी तरह से लिखा हुआ है कि नहीं, केवल एक्स और वाई की जगह पे ए और बी चल रहा है, नहीं तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऊपर वाला जैसा। तो टेन वर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई के फॉर्म में दिया है, तो इसको लिख सकते हैं टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई हो जाएगा। तो जल्दी बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन वर्स ए माइनस टेन वर्स बी, क्या दिक्कत है बोलिए, लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है ना। अब बोलिए यहाँ पे प्लस टेन वर्स बी माइनस सी बाई वन प्लस बी सी को फॉर्मूले में चेंज कीजिए, तो ये टेन वर्स बी माइनस टेन वर्स सी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस बोलिए टेन वर्स सी माइनस ए बाई वन प्लस सी ए को क्या लिख सकते हैं, टेन वर्स सी माइनस टेन वर्स ए, थोड़ा फास्ट करेंगे ठीक है हमारी तरह से, जल्दी जल्दी देखिए टेन वर्स ए और टेन वर्स ए कट गया, टेन वर्स बी टेन वर्स बी कट गया, टेन वर्स सी टेन वर्स सी कट गया, प्लस माइनस कट के कितना आ गया जीरो, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब तो क्वेश्चन कर लेंगे, फास्ट फास्ट कीजिए, मेरे साथ रहिएगा फास्ट हो जाएगा, आप एकदम लग रहा है कि सोए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान समझिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए टैन ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है ध्यान समझिए, टैन ऑफ वन बाई टू साइन वर्स टू ए बाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस वन बाई टू कॉस इनवर्स वन माइनस ए स्क्वायर बाई वन प्लस ए स्क्वायर, बहुत आसान क्वेश्चन है इसको ध्यान समझिए। अब इस क्वेश्चन को मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सोल्यूशन बिल्कुल हम आसान एकदम आसानी से छोटे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टैन ऑफ वन बाई टू साइन वर्स टू ए बाई वन वन प्लस ए स्क्वायर और कॉस इनवर्स वन माइनस ए स्क्वायर बाई वन प्लस ए स्क्वायर, इसमें भी वन बाई टू है। तो अगर आपको याद होगा टू टैन इनवर्स, देखिए यहाँ पे टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो इसमें आपको तीन फॉर्मूले बताए थे, एक बताए थे साइन वर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक बताए थे कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और बताए थे कि टैन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, तीन फार्मूला याद है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो ये तो टैन वैसे ही रहेगा, वन बाई टू भी रहेगा, लेकिन यहाँ समझिए कि साइन वर्स टू ए बाई वन प्लस ए स्क्वायर है, तो साइन वर्स टू ए बाई वन प्लस ए स्क्वायर है, तो बोलिए ए के जगह पे अगर हम एक्स समझें, एक्स यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में, तो साइन वर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है आपको, एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या दिया है ए दिया है, एक्स के जगह पे क्या दिया है ए, तो इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर टू टैन इनवर्स, इतना का फॉर्मूला इसके बराबर, टू टैन इनवर्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो टू टैन इनवर्स ए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एकदम ध्यान से समझिए, थोड़ा तेज हम लोग चल रहे हैं। वन बाई टू क्वेश्चन वाला है, ये हो गया टू टैन इनवर्स ए, लिख दिए इतना के बदले, फिर प्लस वन बाई टू, यहाँ देखिए कॉस इनवर्स वन माइनस ए स्क्वायर बाई वन प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ देखिए कॉस में कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टू टैन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा टू टैन इनवर्स एक्स के बदले क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये फार्मूला है इसको हम लोग बदल दिए ना, बोलिए टू से टू उड़ जाएगा, इस टू से टू उड़ा दीजिए तो बच जाएगा टैन ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा टैन इनवर्स, देखिए टैन इनवर्स ए और टैन इनवर्स ए दो हो गया ना, अब दोनों के बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स ए कितना हो जाएगा जी टू टैन इनवर्स ए, यही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन ऑफ, अब बोलिए टू टैन इनवर्स ए का फॉर्मूला, टू टैन इनवर्स ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो टू टैन इनवर्स ए का फॉर्मूला कौन आएगा, इसमें देखिए तीन फॉर्मूले है, आगे में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है टैन, तो इसका फॉर्मूला हम टैन वाला यूज करेंगे, तो बोलिए टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टैन में टैन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे टू टैन इनवर्स ए है तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा टैन इनवर्स टू ए बाई
वन माइनस ए स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, ये ना होगा तो बोलिए यहाँ पे टेन कॉस टू ए बाई वन माइनस ए स्क्वायर होगा। तब ये फॉर्मूले में आ गया, देखिए कौन से फॉर्मूले में, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स की जगह में कितना है टू ए, अब बाई में कितना वन माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है टू ए बाई में वन माइनस ए स्क्वायर कर देंगे क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं आता। तो इतना क्वेश्चन हो गया, कल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन आगे क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेंगे, और मिसलेनियस जैसे खत्म होगा तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी लेवल का है कि ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो जल्दी से इस तरह सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया सब लोगों को, अगर सब लोगों को समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। हाँ तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।